ग्रेटर नोएडा दादरी थाना क्षेत्र के कोट डेरिक गांव स्थित प्लास्टिक की कबाड़ की गोदाम में देर रात अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। पहले तो लोगों ने आग पर पानी डालकर बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग नहीं बुझने के कारण दमकल की गाड़ियों ने घंटे भर भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस हादसे में किसी जनहानि की सूचना नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि गोदाम में अधिक मात्रा में पॉलिथीन रखा हुआ था, जिसके कारण आग तेजी से फैल गई। फिलहाल आग कैसे लगी अभी तक ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई है। फायर विभाग के आला अधिकारियों का कहना है कि आग बुझाने के बाद आग लगने के कारणों की जांच की जाएगी। नोएडा से एसोसिएट एडिटर ताहिर सैफी की रिपोर्ट। आठ बज के 54 मिनट पे फायर सर्विस यूनिट को सूचना मिली कि कोट डेरिंग के गांव दादरी में आग लगी है। यह पॉलिथीन की कबाड़ की दुकान थी, यहाँ पे आग लगी थी। इनिशियली हमें सूचना मिली है कि यहाँ आदमी फंसे हुए थे, इसलिए तत्परता दिखाते हुए मैं भी पहुँचा हूँ, एफएसओ भी पहुँचे हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम लोगों ने आधे घंटे पे आग पे काबू पाया है। अभी मौके पे दो गाड़ियाँ मौजूद हैं। यहाँ पे कोई भी जनहानि की सूचना नहीं है अथवा कोई भी फंसा हुआ व्यक्ति नहीं पाया गया।